हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की रिलीज डेट एक महीने बाद फाइनल हुई, लेकिन अभी भी राजपूत और करणी सेना के सदस्य इसकी रिलीज पर आपत्ति जता रहे हैं। इसके चलते एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट बदल दी गई है। जी हाँ, 190 करोड़ के बजट में बनी संजय लीला भंसाली की ये फिल्म अब 25 जनवरी को रिलीज नहीं होगी। मिड डे की खबर के मुताबिक फिल्म पद्मावत अब 25 नहीं बल्कि 24 को रिलीज होगी। मेकर्स ने फिल्म को एक दिन पहले रिलीज करने का फैसला किया है। मुंबई के GA मल्टीप्लेक्स के मालिक मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में बताया, पैडमैन 25 जनवरी को रिलीज होगी जबकि पद्मावत को एक रात पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 24 जनवरी को शाम 9:30 बजे फिल्म रिलीज करने का फैसला किया है। ये शो पेड प्रीव्यू होगा, ये एक स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। ये सिर्फ मेरे ही थिएटर में नहीं बल्कि पूरे देश में रात को ही रिलीज हो जाएगी। बता दें कि किसी भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन पद्मावत के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने कहा, अगर मेकर्स ने पेड प्रीव्यू अरेंज किया है, इसका मतलब वो अपनी फिल्म को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मेकर्स ऐसा करके उन लोगों को साबित करना चाहते हैं जो इस फिल्म के खिलाफ हैं। वो दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये फिल्म राजपूत परंपरा को उजागर कर रही है। उन्होंने आगे कहा, इस पेड प्रीव्यू के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में जरूर बात होगी और दर्शकों की सोच बदलने की उम्मीद है। लोगों की सोच को बदलने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ मेकर्स अब तक की सबसे ज्यादा विवादित फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि ये फिल्म हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में बैन है।